दोस्तों NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि क्या है इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पोस्ट निकली है जूनियर इंजीनियर सिविल की, हिंदी ट्रांसलेटर की, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू और लोअर डिविजनल क्लर्क की। आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी। एज लिमिट जो है जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए वो 18 to 27 ईयर्स, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है वो 21 to 30, और इन तीनों पोस्ट के लिए ये एज लिमिट है। ये जो एज लिमिट है ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए एज वाइज रिलैक्सेशन भी दी गई है 3 साल और 5 साल की। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देख सकते हो ये पोस्ट है और ये पे स्केल है। तो जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जो इनहैंड सैलरी बन रही होगी अलाउंसेस को ऐड करने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 बन रही होगी, ठीक है। अपर डिविजनल क्लर्क और स्टेनोग्राफर की जो इनहैंड सैलरी होगी वो अराउंड 35,000 की बनेगी। इसके अलावा लोअर डिविजनल क्लर्क की जो पे स्केल है, देख सकते हो आप, अलाउंसेस ऐड करने के बाद ये सैलरी अराउंड 23,000 बनती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, आपको बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए जॉब के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 840 रुपीज़, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो है 500 रुपीज़। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका वो ऑनलाइन रहेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो है डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी इंस्टीट्यूट से, इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए कैश और अकाउंट्स में। अब बात करते हैं अपर डिविजनल क्लर्क की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए, और डिज़ायरेबल है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बस। स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है 12th पास। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी ली जाएगी शॉर्ट हैंड की, जिसमें स्पीड जो मांगी गई है वो है 80 वर्ड्स पर मिनट। अब बात करते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो 12th पास मांगा गया है इसके लिए भी। जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड देते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। अब बात कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास मास्टर डिग्री हो हिंदी में और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो इंग्लिश में और हिंदी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो इलेक्टिव में, तो आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर और यूडीसी के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है और वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रखा गया है इन पोस्ट के लिए। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड टू और एलडीसी के लिए। तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट तो देना ही है, इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग टेस्ट, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो 5 सब्जेक्ट्स है आपके एग्ज़ाम में, जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 20 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन से और हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके क्वेश्चन बनते हैं 100 और टोटल जो मार्क्स होगा वो आपका बनेगा 100, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो सिलेबस रहेगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसमें जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो है 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, और जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है वो 65 क्वेश्चन होंगे और 65 मार्क्स होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन और इसमें भी 100 मार्क्स बन रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है 10th मई और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 25th जून। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इस वेबसाइट पे आपको जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होगी, कलर्ड फोटो होनी चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक, इमेज फाइल होनी चाहिए जिसको आप अपलोड कर सको। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी होगी या फिर जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, वो भी आपके पास रेडी होने चाहिए। इसके अलावा फॉर्म फिल करने के बाद आप प्रीव्यू करके हर कॉलम को जरूर चेक कर ले फॉर्म सबमिट करने के पहले, और एप्लीकेशन फ़ी आपको कंपलसरी पे करनी है तभी आपकी फॉर्म सबमिट की हुई मानी जाएगी, और सबमिट करने के बाद एक फाइनल प्रिंटआउट लेकर अपने लिए ज़रूर रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो ऐसे ही फर्दर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।